ब्लैक कलर की स्विफ्ट, इतने बड़े अलॉय व्हील लगे हुए, ये है अपने 20 इंच है ना भाई। हाँ भाई, भाई कितने की पड़ी थी आपको ये ऑन रोड? भाई 9,44,000 की। 9,44,000 रुपए की भाई ये पड़ी थी ऑन रोड। भाई अगर बात करूँ कितने आर एम एस के वूफर अपने दोनों? 1200। अरे मतलब टोटल 2400 हो गया ना। चार सिल्वेस्टर, पर इसके पीछे एक शर्त है, ब्लैक कलर लेने के पीछे आपको लेना होगा टॉप मॉडल है ना? हाँ भाई टॉप मॉडल। तो भाई ये ZX है? हाँ ZX है भाई, पुश बटन स्टार्ट। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। आज की वीडियो यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है भाई। मैंने ना अभी दो चार स्विफ्ट और दिखा दी आपको, पीछे के लिए लेके आए हैं भाई काली स्विफ्ट, और भाई ये चेक करो भाई क्या लग रही है। तो आज की वीडियो हमारे साथ है वंश भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई बिल्कुल बढ़िया। तो भाई सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, जब आप लेने गए स्विफ्ट, मतलब स्विफ्ट ही लेनी थी या कुछ और भी प्लान था? मतलब माइंड भाई स्विफ्ट ही लेनी थी। स्विफ्ट ही लेनी थी और वो भी काली? बिल्कुल काली। तो सफेद वफेद पसंद नहीं है क्या? मतलब ही नहीं है भाई। और भाई ये तो वेट ही कर रहा था मैं। अच्छा भाई ये देखो, मतलब कि पता है क्या, ब्लैक की जो इसकी अगर आप देखोगे ना सामने से, ब्लैक की लुक कुछ अलग ही आ रही है ना। सफेद और सफेद तो बहुत सारी हैं, ब्लैक यार कुछ एक अलग यूनिक निकाला इन्होंने, और इन्होंने ना सभी कार में निकाल दी है। पर इसके पीछे एक शर्त है, ब्लैक कलर लेने के पीछे आपको लेना होगा टॉप मॉडल है ना? हाँ भाई टॉप मॉडल। तो भाई ये ZX सही है? हाँ ZX है भाई, पुश बटन स्टार्ट। अरे वाह, तो भाई ZX सही रहने वाली है। और भाई अगर बताना चाहूँ तो कौन सा मॉडल वगैरह है अपना? ये 2023 का है 24 का है? भाई अभी डेढ़ महीने हुए हैं, 24 का ही है। 24 का ही है। तो भाई कितने की पड़ी थी आपको ये ऑन रोड? भाई 9,44,000 की। 9,44,000 रुपए की भाई ये पड़ी थी ऑन रोड। तो भाई ये कोई CNG वगैरह नहीं है, प्योर पेट्रोल रहने वाली है ना? पेट्रोल। तो भाई देख सकते हो। और भाई इसके अंदर अगर बात करूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज करा रखी आपने? भाई लाइट हो गई, फोग लैंप गिरा रखे हैं। और भाई पता है क्या, इसमें ना दूसरी वाली हेडलाइट आती है, इन्होंने भाई ने चेंज करा रखी है। भाई लगते नहीं इतने, कितने की लाए थे आप? 9,44,000 की। 9,45,000, 9.5 लाख रुपए माना ना, 9.5 लाख रुपए में ये लाइट देनी चाहिए थी इनको है ना? देनी चाहिए थी पर दी नहीं इन्होंने। वो देते हैं वो सीधी सिंपल बल्ब वाली हाईलाइट वाली। इसमें मैंने इसमें लाइट डलाई नीचे, प्रोजेक्टर वाले फोक लैंप है इसमें, 300 वाट की इसमें LED के लिए। ये IPS रहने वाला है और अंदर भाई लगे हुए रूट्स के ओरन है ना? तो भाई ये देख सकते हो भाई चलाने में पूरा मजा आ रहा है पूरा भाई। तो कहीं ऐसे नहीं था कि भाई CNG वगैरह भी ले हैं ऐसे कुछ? मतलब ही नहीं कोई भाई, मन में ही नहीं CNG की तो। अच्छा कह रहे सिस्टम लगवाना था ना? सिस्टम के लिए लिए वैसे। अच्छा हाँ, तो सिस्टम भी आपको सुनाने वाले हैं कैसा क्या है। और मेन चीज़ भाई ये चेक करो, ब्लैक कलर की स्विफ्ट, इतने बड़े अलॉय व्हील लगे हुए हैं, ये है अपने 20 इंच है ना भाई? हाँ भाई 20। तो जब लगवाने गए थे 20 ही सोचे थे क्या? 20 ही सोचे भाई। भाई वाह, तो देव भाई ने सबके साथ ऐसे कर रखा। भाई कैसे हो? तो भाई ने ना देखो, भाई की गाड़ी में भी 20 इंची, यहाँ भी 20 इंची, और भाई की तो सबसे पहली थी स्विफ्ट है ना भाई? अरे वाह। तो भाई ये देखो, यहाँ अगर देव भाई के साथ रहोगे तो 20 से नीचे बात ही नहीं होनी। ब्लैक मेरी है सबसे पहली, 20 में 20 गिरे हैं। अच्छा सबसे पहले ब्लैक में मैंने गिरा 20 इंच। अच्छा सबसे पहले इसमें डले हैं? हाँ भाई सबसे पहले ब्लैक में। अच्छा में और किसी में भी डले? हाँ ब्लैक में सबसे पहले, और सब में तुम्हारे में डले हैं सबसे पहले है ना? तो भाई अगर इसकी प्रोफाइल 2019 में 20 और अब चल रहे हैं कॉमन है ना भाई? भाई ये तो चीज चेक करो, अगर मैं प्रोफाइल अगर इसकी दिखाना चाहूँ तो 225 45 35 35 R20। तो भाई ये कितने क्या पड़े थे आपको?
भाई ये मुझे 95 के पड़े थे, 95,000 के। तो एवरेज वगैरह क्या दे रही है? एवरेज का मैटर नहीं रखता भाई कोई। मतलब थोड़ा बहुत तो होगा कि भाई कितनी का? ये 8-9 दे रही है मेरे तो। 8-9 लोकल भाई तुम्हारी कितनी देती है भाई की? है डीजल वो खड़ी मेरी दे भाई 10-11 डीजल में भी। मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना? तो भाई वो तो है। और चलाने में कैसा मजा आ रहा भाई? पूरा मजा। और पब्लिक के रिएक्शन तो ऐसे देख के अल्टीमेट मतलब कैमरा में करते हैं रिएक्शन तो पूरे आप पब्लिक के पूरे। हाँ नहीं तो 17 लगवा लेते ये तो भाई। तो भाई पीपीएफ वीपीएफ भी करवा रखे कैसे भाई? पीपीएफ कराने का मन नहीं था क्योंकि पीपीएफ में क्या होता है एक पार्ट पे स्क्रेच, जैसे स्क्रेच आ रही है स्क्रेच पे आ गई तो पूरा पार्ट कराना पड़ता है। अब वो स्क्रेचेस पीपीएफ की बुरी लगती है बहुत। ये तो मैं इसमें ब्लैक कोटिंग ही कराऊंगा। अच्छा अच्छा सेरामिक कोटिंग वगैरह। तो भाई पता है जैसे अब ये भाई अपने ब्लैक तो ले ली, इसे साफ सफाई करने में थोड़ी है ना दिक्कत बाजी भाई? दिन में 3 बार कपड़ा लग जाए। 3 बार कपड़ा वो तो है। पता है क्या, देखो आपको दिख रही छोटी छोटी धूल भी आपको दिख रही होगी है ना? वही तो है। तो भाई ये तो है। अब आते हैं पीछे की तरफ। पीछे से ये है बिल्कुल सिंपल, कोई लाइट वाइट कोई चेंज नहीं है ना भाई? मेरा मन ही नहीं है लाइट चेंज कराने। अच्छा ये अच्छी लगी लाइट? अच्छी लगे ये तो है। और पता है क्या भाई, ये वाला वाइपर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका पीछे। ये कंपनी से आया, कंपनी से आया है ना? तो भाई बढ़िया पीछे से लगे ये है ना वाइपर की वजह से। तो अगर मैं और दिखाना चाहूँ, बूट ओपन करते हैं। हमने बाहर से पूरी दिखा दी आपको। बूट में भाई ये अपने रहने वाले हैं, 2 वूफर आप देख सकते हो, अपने रॉकफोर्ड के ओवल हो गए हैं। और ये भाई इसलिए कटवाया हुआ कि अंदर बेस आए पंच के लिए। हाँ तो कितने एम्प लग रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर? 3 एम्प लग रहे हैं। 3 एम्प लग रहे हैं, दो स्टीरियो लग रहे हैं। अंदर आ जाओ, अंदर से दिखाते हैं। तो भाई ये देखो अंदर से ये कुछ इस तरीके से रहने वाली है। कहीं ना कहीं इधर ना भाई इनको टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग देना चाहिए था जिसमें क्रूज कंट्रोल होते हैं ना दोनों साइड। तो भाई बताया क्या, इतने पैसे में ना ये वर्थ नहीं लगता कि भाई ये वाला स्टीयरिंग। टॉप मॉडल वाला होता क्रूज कंट्रोल वाला वो बढ़िया लगता है ना। पर भाई ये तो बेटर दे दिया। हाँ ये चीज बहुत अच्छी दी है। ये तो तगड़ी लगती है ना, ये पैसा वसूल कर देती है ना। पैसा वसूल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो इधर कुछ स्टार्ट है। हाँ ये तो है। पता क्या मेनली भाई, पता क्या बंदा जब काला कलर लेता है सोचते हैं यार सीएनजी ले लें है ना। ऐसा है सीएनजी के लिए बहुत डोलते हैं। हाँ पर मैं नहीं डोला था, मैंने मुझे पेट्रोल पेट्रोल सिस्टम लगाना है। देखो भाई सबकी रनिंग रनिंग के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज है ना भाई। रनिंग तो मेरी भी बहुत है पर शौक की चीज है ना भाई की पेट्रोल चलानी है ना। ये है। अब सिस्टम में भाई क्या क्या लगा हुआ है वो बता दे। चलो भाई मेरी में 4 मिड लग रही है डेवबोन्स की। डेवबोन्स की सिल्वेस्टर 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 रहने वाली है। कितनी? 4 सिल्वेस्टर। आगे इनमें क्या लगा? अवल वो फोकल के हैं, फोकल के 2 इंच वाली भाई, 4 इंची स्पीकर मान सकते हो ना वो है। स्टीरियो ये रहने वाला है और एक और स्टीरियो इसके नीचे लग रहा है भाई, इसके नीचे है भाई अगर आपको दिख रहा हो वो। इसलिए रहने वाला है कि भाई को ये सेप ऐसी चाहिए थी है ना। हाँ, इसलिए क्योंकि ये अच्छा लगता है। वो आउटपुट के लिए लगा हुआ है। पाइनर का है कौन सा भाई? पाइनर का है भाई, ओल्ड सीरीज। अरे वाह। तो भाई अपना आउटपुट वगैरह हम सुनाने वाले हैं किस तरह के आने वाला है। तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब हम। सिस्टम का आउटपुट की बात करें तो बहुत तगड़ा आउटपुट आ रहा है ना। भीड़ लग गई भाई पूरी है ना, ये देख सकते हो। तो भाई अगर बात करूं कितने आरएमएस के वूफर अपने दोनों ही? 1200। अरे मतलब टोटल 2400 हो गया ना। ऐसे लग रहा पीछे भी अरे वो एसी चल रहा, हवा आ रही है पूरी फर। तो भाई वोकल आप देख सकते हो क्या बढ़िया आ रही है। डेवबोन्स की वाइट जैसे सिल्वरस्टर अपने लगी हुई है। तो भाई अपना सिस्टम कितने का होएगा भाई? सिस्टम कम से कम 1 के समथिंग बैठ गया मेरा। 1 के समथिंग है ना, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें रहती है। और भाई ने अलग से स्टीरियो जैसे नीचे लगा रखा है इसके आउटपुट के लिए। देखो अगर किसी के पास ये है तो वो बहुत सही चीज लगी मुझे, क्योंकि इसमें सारी चीजें आती है, गेट खुलने का, फ्यूल का, सबका इसमें है ना दिखाता रहता है सब चीज। तो ये है भाई, हमने सब चीज दिखा दी है, कुछ रह भी रहा है भाई? सब चीज दिखा दी। तो भाई अब ये बताओ कि टोटल कितने पैसे लगा रखा पूरी गाड़ी में भाई? वैसे कहने को तो दुनिया कह दे पर मैंने इसमें 2-2.5 के समथिंग लगा रखा। 2-2.5 के आसपास। देखो 95 के एलॉय हो गए, लाख का सिस्टम हो गया और छुटपुट छुटपुट मैड मूड करते करते हुए बिल्कुल 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 भाई ये है सारी चीज। तो भाई अपना इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है भाई? वंस गुजर खाली, बस खाली। हाँ भाई तो भाई देख सकते हो भाई, जाके भाई को फॉलो कर लेना, एक बार दिखा दो एक बार, क्या पता कुछ और भी हो। हाँ देखो ये रहा भाई, यही दिक्कत होती है वंस गुजर 90-13 ठीक है। तो जाके भाई को फॉलो कर लेना, बड़ी बड़ी रील्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। ये आज की टोटल ओवर वीडियो, यहाँ तक वीडियो देने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।